हेलो डियर फ्रेंड्स, शाम के टाइम बना रहे हैं हम चटपटी सब्जी। आलू मटर की बच्चों को खाने थी चटपटी सब्जी, तो मैं मटर भी नहीं हूँ, साथ में सब्जी भी बना रही हूँ। मटर फ्राई कर आलू फ्राई कर लिए, मटर फ्राई कर लूँगी मसाले में और टमाटर से भूंज के सब्जी भी तैयार कर लेंगी। उसके बाद हमने खाई ये मिठाई, बहुत ही टेस्टी मिठाई थी, गजानन माँ के नाम से थी। फिर से वो टाइम नाश्ता वगैरह करके मैं सब्जी काट के रख रही हूँ कि नहा के आऊँगी तो सब्जियाँ छौंक दूंगी। तो मैं नहाने चली गई सब्जी काट के, नहीं फिर आ गई है। मैंने तो चावल चढ़ाए, दाल बन चुकी है, सब्जी फ्राई हो रही है आलू की। तो जब तक सब्जी फ्राई हुई पूजा भी करके आऊँगी मैं साथ में, और जी मैं गोभी और सेम आलू सब्जी भी फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद बेटी मेरे कपड़े निचोड़ रही है, कह रही कि मम्मी मैं कपड़े निचोड़ देती हूँ, आपको ज़्यादा काम है। तो उसने कपड़े निचोड़ दिए, फिर मैंने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है और सब्जी बनके तैयार हो गई है। फिर मैंने किया है नाश्ता दूध जलेबी का, उसके बाद मैं आ गई रोटी बनाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी में मैं ऐसे लंबा करके नहीं लोई काट लेती हूँ, जिससे कि इक्वल रोटी बन जाती है, नहीं तो मेरी छोटी बड़ी रोटी बनती है। और सुबह का काम बहुत रहता है, बच्चों को टिफिन जाना, स्कूल जाना, टिफिन वगैरह लगाना। फिर मैं रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक तैयार कर दूँगी दोपहर की थाली में। दाल चावल मिक्स वेज रोटी ये थे आज हमारे दोपहर की थाली। फिर किचन क्लीन की क्लीन करना था, तो किचन क्लीन करूँगी मैं। गैस को साफ कपड़े से नहीं पहुँचती, पहले मैं माँजी देती हूँ, उसके बाद सुखाने के बाद कपड़े से पहुँच देती हूँ। तो मैं गैस को माँज रही हूँ और जो टाइल्स वगैरह पर तेल वगैरह छिटक जाता है उसको भी साफ़ कर देंगे, वाइपर फेर देंगे। तो अपना किचन हो गया तैयार, क्लीन हो गया मतलब। तो किचन क्लीन करने के बाद जी मेरा देखो कितने बढ़िया लग रहा है। सुबह के टाइम बहुत हरे वाला फैल जाता है। फिर मैं शाम के टाइम खा रही हूँ चाय बिस्किट। ये था हमारा आज का दिन। बाय।